फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में इक्विटी का प्रिंसिपल, रेन्यूमरेशन ऑफ एम्प्लॉयज. इक्विटी का प्रिंसिपल क्या कहता है? इक्विटी का प्रिंसिपल कहता है देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन. यही हमने समझा था कि हमें अपने एम्प्लॉयज के में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, चाहे वो किसी भी कास्ट के हों, किसी भी रिलीजन के हों, मेल हैं फीमेल हैं, हमें उनमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए. दे शुड बी ट्रीटेड इक्वली. रेन्यूमरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का प्रिंसिपल क्या कहता है? कि वी शुड पे आवर एम्प्लॉयज़ जस्ट एंड फेयर सैलरी. हमें अपने एम्प्लॉयज़ को जस्ट एंड फेयर सैलरी देनी चाहिए सो डैट दे कैन मेंटेन अ रीजनेबल लिविंग स्टैंडर्ड. तो ये दोनों क्या है? ये अगर हमें प्रिंसिपल्स की नॉलेज है, वी विल बी अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, विल बी अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ रेन्यूमरेशन, एंड दीज एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स विल हेल्प द मैनेजर इन फुलफिलिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी. फिर आपके पास है मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट requirements, meeting changing environment requirements, changing environment. जो भी हम हमारा environment है, ये क्या ever changing है, बार बार बदलता रहता है, हर बार बदल रहा है. environment में हमारी क्या चीज़ें आती हैं, थर्ड chapter में आप इसको detail से पढ़ेंगे. बाकी environment includes everything which is outside the business and it is outside the control of business. For example, our government schemes, our competitors, our employees, the level of technology, the taste and preference of the customers, the rules, regulations, all these comprises of our environment. Now, environment is ever changing. Every competitor is trying to bring a latest technology, trying to bring a new product. Technology is changing on a rapid rate. Government is making daily changes over the new rules. It is coming with the new rules, new laws. Like, for example, demonetization has been done recently. GST has been introduced recently. Now, if we are aware of the principles, now these principles will help the manager to meet these environmental changes very easily and to cope up with these environmental changes. Last point hai aapke paas, management training education and research. Management training, education and research. That means these principles form the basis of the training of managers. When we want to become a manager, we are studying our MBA, we are studying our management. In these courses, these principles are taught. हमें सिखाया जाता है ये principles. हमें ये principles पढ़ाए जाते हैं, इनके ऊपर हम research करते हैं. तो they provide the basic groundwork for the development of managers. ठीक है, ये हमें हेल्प करते हैं कि हम मैनेजर्स को ट्रेन कर सकें, उन्हें पढ़ा सकें, और कॉन्टिन्यूसली इन पर रिसर्चेस चलती रहती हैं. सो डैट हमने करा था ना, मैनेजमेंट इज़ ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग अ डिसिप्लिन. इट इज़ ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग अ डिसिप्लिन. उसके लिए लगातार इन प्रिंसिपल्स पे कॉन्टिन्यूसली रिसर्चेस चल रही. सो what we have done importance of principles of management. Six importance hai. First point hai hamara, provides useful insight into reality. Second hai, optimum utilization of resources and effective administration. Third point hai, scientific and thoughtful decisions. Fulfilling social responsibility, meeting changing environment requirements, and मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमारी हेल्प करते हैं इन सब नीड्स को फुलफिल करने में.
अगेन मैं एक बार आपको रिमाइंड कर रही हूँ कि जब पेपर में ये टॉपिक आएगा वी हैव टू बी वेरी कॉशियस कि वेदर द एग्जामिनर इज आस्किंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट और द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. बोथ दीज टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज योर बोथ्स आर कंसर्न. नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका, अब हम करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. अभी तक हमने इसका मीनिंग समझा, इसके फीचर्स और इसके इंपॉर्टेंस समझी. नाउ एक्चुअली व्हाट आर दीज प्रिंसिपल्स आर, नाउ वील बी डूइंग दिस. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैव बीन डेवलप्ड बाय टू मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स. फर्स्ट इज हेनरी फयोल एंड नेक्स्ट इज एफ डब्ल्यू टेलर. हम अपनी ट्वेल्थ के बिजनेस में इन दो लोगों के प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं, इन दो मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स के प्रिंसिपल पढ़ते हैं. हेनरी फयोल के प्रिंसिपल्स आर 14 इन नंबर एंड एफ डब्ल्यू टेलर के प्रिंसिपल्स आर 4 इन नंबर. हेनरी फयोल के प्रिंसिपल्स को हम कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल मैनेजमेंट. And they are called the principles of scientific management. Henry Fayol ke principles are the principles of general management. F.W. Taylor ke principles are the principles of scientific management. General management. Henry Fayol is known as father of general management. Taylor is known as father of scientific management. ये principles exam points से बहुत important है. बार बार आपको case studies आएंगे, direct questions आएंगे. आपको इन principles का क्या क्या आना चाहिए. First, you should know the meaning of the principle. Meaning of the principle. Then, you should be clear of examples, then positive and negative effect of these principles. आपको एक प्रिंसिपल की ये तीन चीजें आनी चाहिए. यू शुड नो द मीनिंग ऑफ द प्रिंसिपल, यू शुड बी अवेयर ऑफ सम एग्जांपल्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ द प्रिंसिपल्स. नाउ वील बी डूइंग फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फयोल. फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फयोल इज प्रिंसिपल्स ऑफ फयोल. फर्स्ट प्रिंसिपल इज division of work. Division of work, by principle of division of work, Henry Fayol stated that the work should be divided into small tasks. हमें अपने काम को क्या करना चाहिए, divide into small and manageable task. The work should be divided into small and manageable task. हमें अपने सारे काम को छोटे और manageable task में divide कर देना चाहिए. And each task should be done by a trained employee. और उसके साथ हमें क्या करना चाहिए, हम जब काम करवा रहे हैं तो किससे करवाएं, एक trained और एक specialist employee से वो काम करवा रहे हैं. We are getting that work done by a trained or a specialist employee. इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा होगा specialization. The specialization will enter in our organization. इससे specialization आ जाएगा. तो by the principle of division of work, Fayol stated that the work should be divided into small and manageable tasks. When the work is divided into small and manageable tasks, each task should be performed by a trained or a specialist employee. When the work will be done by a specialist employee, it will lead to specialization.
It will lead to minimization of wastages, it will increase the output of the organization, and obviously the profitability of the organization will increase. For example, ये आपका meaning हो गया. Now example. For example, हमारे पास एक business है. The business is very small. एक छोटा सा business है हमारे पास. एक हमारे पास छोटा सा business है. हम रेडीमेड शूज खरीदते हैं, बने बनाए, और उसको बेचते हैं. बहुत छोटे से लेवल, छोटी सी दुकान है हमारे पास, एक वर्कर है और हम अकेले काम कर रहे हैं. तो उस चीज़ में क्या होगा, वर्कर तो क्या कर रहा है, वर्कर सब साफ सफाई कर देता है, दुकान टाइम पे खोल देता है. वी आर डूइंग एवरीथिंग, वी आर बाइंग द शूज, वी आर टॉकिंग विद द, वी आर हैंडलिंग द कस्टमर्स, देन taking money or the finance part we are also handling. There is no division. But if the business is gradually the business increased, now we have a big showroom and we have at least 10 workers in our organization, in our showroom. Ab kya zarurat hai hame? अब हमें काम डिवाइड कर, अभी भी अगर हम ही सारा काम करेंगे तो क्या ये पॉसिबल है कि स्पेशलाइजेशन आ जाएगा, हम अपने हर क्लाइंट को भी अच्छे से डील कर पाएंगे, हम अच्छे से उनको कन्विंस भी कर पाएंगे, हम अच्छा शूज़ जो मटेरियल है हमारा, हम वो मार्केट से भी सर्च कर पाएंगे, हम फाइनेंस पार्ट भी देख पाएंगे? नो. अब हमें क्या करना पड़ेगा, धीरे धीरे काम को डिवाइड करना पड़ेगा. हमारा बिजनेस और बढ़ा, नाउ वी हैव स्टार्टेड आवर ओन कंपनी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग शूज़. Now, do we really need to organize our company into departments? Yes, we have to divide the work. We have to separate. One is will be the manufacturing department. One can be the sales department. One will be the finance department. One can be the HR department. Now, we will be dividing the work. Us division se hame fayda kya hoga? Hum जब काम को डिवाइड कर देंगे हमारा काम स्मूथली होगा, कोई ओवरलोडेड नहीं होगा. और अगर हम उस काम को एक ट्रेन पर्सन से करवा लें तो हमारे पास स्पेशलाइजेशन आएगा, हमारे प्रॉफिट्स एनहांस हो जाएंगे, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वेस्टेजेस मिनिमाइज होने लग जाएंगी.